हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था कि जब भी हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए डेटा प्रिपेयर करना होता है तो उसके थ्री स्टेप्स होते हैं। एक होता है डेटा कलेक्शन, देन डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में हम थर्ड स्टेप पढ़ रहे हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ द लास्ट स्टेज इन प्रिपेयरिंग डेटा फॉर मशीन लर्निंग टास्क। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग द प्री प्रोसेस्ड डेटा इनटू फॉर्म्स दैट आर मोर सुटेबल फॉर ए स्पेसिफिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लास्ट स्टेप है फॉर प्रिपेयरिंग इन प्रिपेयरिंग डेटा फॉर मशीन लर्निंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्री प्रोसेस्ड डेटा है उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो कि मशीन लर्निंग के लिए सुटेबल हो। यानी हर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो किस फॉर्मेट में हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को डेटा प्रोवाइड करना है, उस फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करके प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, द डेटा कैन बी ट्रांसफॉर्म थ्रू नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग, डिकम्पोजिशन और एग्रीगेशन। तो डेटा को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थ्री मैथड्स यूज करके, नॉर्मलाइजेशन या जिसे स्केलिंग भी बोला जाता है, डिकम्पोजिशन और एग्रीगेशन यूज़ करके। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। आपके सिलेबस में टॉपिक है नॉर्मलाइजिंग डेटा सेट्स, तो इसमें उसी से रिलेटेड बताया जा रहा है आपको। सिंस मोस्ट डेटा सेट कंटेन फीचर्स दैट वेरी ग्रेटली इन टर्म्स ऑफ रेंज, यूनिट्स और मैग्नीट्यूड, इनपुटिंग सच अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा इनटू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस रॉन्ग प्रेडिक्टेड आउटपुट। तो हमारे पास जो डेटा सेट होता है, हमारे पास जो मोस्ट डेटा सेट होता है उसमें इस टाइप के फीचर्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, रेंज में, यूनिट्स में या मैग्नीट्यूड में। तो इस टाइप का अगर हम अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को देंगे तो वो जो आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एज और सैलरी पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं प्रेडिक्शन आउटपुट को प्रेडिक्ट करने के लिए, लेकिन अगर हम देखें तो एज की वैल्यू कम होगी और सैलरी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो उस केस में क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा, इनकी वैल्यूज में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, तो सैलरी जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी प्रिडिक्टेड वैल्यू पे, तो जिसकी वजह से आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, रॉन्ग मिल जाएगा। या फिर अगर हम देखें तो फॉर प्रिडिक्शन ऑफ डायबिटीज़ रिस्क वी आर यूजिंग ह्यूमन हाइट इन मीटर्स एंड ह्यूमन वेट इन किलोग्राम्स। तो अगर हमें डायबिटीज़ की रिस्क प्रिडिक्ट करनी है बहुत सारे लोगों में से, और उसके लिए अगर हम ह्यूमन की हाइट मीटर में ले रहे हों और वेट किलोग्राम्स में ले रहे हों, तो उस केस में भी क्या होगा, देन वेट एट्रीब्यूट विल ओवरवे द हाइट एट्रीब्यूट बिकॉज ऑफ द लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वेट एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइट के, क्योंकि वेट की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकली ज़्यादा होती है। अगर ऐसा हो रहा है कि कुछ जो एट्रीब्यूट्स हम प्रिडिक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं उनकी वो आपस में रेंज में, यूनिट्स में या मैग्नीट्यूड में अलग अलग टाइप के होंगे, तो जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आउटपुट प्रिडिक्ट करेंगे वो टोटली रॉन्ग होगा। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, देयरफॉर स्केलिंग इज नेसेसरी टू डिक्रीज दिस इफेक्ट बाय नॉर्मलाइजिंग ऑल फीचर्स टू अ सिमिलर लेवल ऑफ मैग्नीट्यूड। तो उस केस में हमारे को स्केलिंग का यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम सारे फीचर्स को एक ही लेवल ऑफ मैग्नीट्यूड पे ला सकें। नॉर्मलाइजेशन वी स्केल एट्रीब्यूट वैल्यूज टू फॉल विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। तो नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट को स्केल करते हैं जिससे वो स्पेसिफाइड रेंज में आ सकें। तो कौन कौन सी टेक्निक्स है वैल्यूज को नॉर्मलाइज करने की, फर्स्ट मेथड इज मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। इन मैक्स नॉर्मलाइजेशन में हम किसी भी वैल्यू वी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वी डैश में, जो कि किस रेंज में होगी, 0-1, ठीक है। और ये जो वैल्यूज होंगी इनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक ए एट्रीब्यूट है, ठीक है, ए एट्रीब्यूट है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो इसमें कोई मिनिमम वैल्यू होगी और कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो V जो है एक ऐसे एट्रीब्यूट से बिलोंग करता है जिसमें एक मिनिमम वैल्यू भी है और एक मैक्सिमम वैल्यू भी है, उसको हमें एक V डैश वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज किस में है, 0-1 में है। तो एक एट्रीब्यूट हमारे पास होगा जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होंगी, उसमें से हम वैल्यूज V को लेंगे और उसको V डैश में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और V डैश जो है वो 0-1 की रेंज में होगा। उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, वी डैश इक्वल्स टू वी माइनस मिन ए डिवाइडेड बाय मैक्स ए माइनस मिन ए,
ए यहाँ पर क्या है एट्रीब्यूट, मिन ए मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ए एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ए को क्या बोला गया, मैक्स ऑफ ए। तो जैसे हमारे पास एक एट्रीब्यूट था ए जिसमें वैल्यूज थी 200, 5, 500, तो इसमें अगर हमें ये वैल्यूज़ क्या हैं अलग अलग टाइप की हैं, कोई बहुत बड़ी है कोई बहुत छोटी है, तो उस केस में हमें हम सिर्फ क्या चाहते हैं इसको जीरोज एंड वंस की रेंज में कन्वर्ट करना। तो हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना पड़ेगा, जैसे वैल्यू हमारी वी इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू भी क्या है ए एट्रीब्यूट की 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 500 के, तो वी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस मिन ए डिवाइडेड बाय मैक्स ए माइनस मिन ए, तो वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब है इस 2 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से। फिर सिमिलरली आप 100 के लिए देखना, तो 100 के वैल्यू आके आ रही है 0.97, 0.197, 5 के लिए वैल्यू आ रही है 0.006 और 500 के लिए वैल्यू आ रही है 1। ये जो ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज हैं देखो सारी की सारी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही हैं। तो मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन में यही किया जाता है कि एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको 0 और 1 की रेंज में लाया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट मेथड इज जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। जेड स्कोर मतलब जीरो मीन नॉर्मलाइजेशन। इन दिस मेथड स्केलिंग इज डन बाय यूजिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस मेथड में हम डेटा को स्केल करते हैं बाय यूजिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करके। इट इज़ यूजफुल व्हेन मीन मैक्स आर अननोन और व्हेन देयर आर आउटलियर्स। तो ये मेथड कहाँ पर यूजफुल होगा, जब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं पता हो एट्रीब्यूट की, या फिर उसके अंदर आउटलियर्स हो, बहुत ज़्यादा वैल्यूज में वेरिएशंस हो, तो उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं इस मेथड का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी डैश इक्वल्स टू वी माइनस मीन ए डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। जैसे अगर हमारे पास एक ए एट्रीब्यूट है उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसमें से एक वैल्यू हमारी है वी 58,000 और इसका मीन हमें गिवन है 40,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 15,000। तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, 1.2। तो ये v जो है 58,000 वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 1.2 में। तो इस मेथड को यूज़ करने से क्या होगा, इफ़ेक्ट ऑफ आउटलियर्स रिड्यूस हो जाएगा। अगर इसमें बहुत ज़्यादा आउटलियर्स होंगे, बहुत डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ इस एट्रीब्यूट के अंदर होंगी, तो वो रिड्यूस हो जाएंगी, उसका इफ़ेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज डेसिमल स्केलिंग। इसका फॉर्मूला होता है वी डैश इज इक्वल्स टू वी अपॉन 10^j। जैसे ए एट्रीब्यूट है हमारा, इसमें वैल्यूज है -80 और 8, तो जो वैल्यूज हैं वी उनको हमें वी डैश में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी डैश इक्वल्स टू वी अपॉन 10^j। जे क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज एट्रीब्यूट के अंदर हैं, जैसे ए -80 है और 80 है, तो इसमें इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 80 के अंदर 2, 8 के अंदर डिजिट्स कितनी है, 1, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होगा वो होता है जे। जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी डिजिट्स में से, नंबर ऑफ डिजिट्स में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो होता है जे। यहाँ पर जे इक्वल टू क्या हो गया, 2, क्योंकि ये 2 है 1 है। अगर सपोज एक 3 वाला भी होती है कोई वैल्यू 800, तो हम 3 लेते हैं जे की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर -80 कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, -80/10^2 यानी कि -0.8। यहाँ पर 8 कैसे हो जाएगा, 8/8/10^2, क्योंकि जे की वैल्यू हमारी 2 है, तो ये हो जाएगा 0.08। तो इस टाइप से डेसिमल स्केलिंग में वैल्यूज ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज एग्रीगेशन। कंबाइनिंग टू और मोर एट्रीब्यूट्स इनटू अ सिंगल एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन। जब हम टू और मोर एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके सिंगल एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, तो उसे बोलते हैं एग्रीगेशन करना। तो एग्रीगेशन करने से क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो डेटा सेट में गिवन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। फीचर एग्रीगेशन कैन बी परफॉर्म टू ब्रिंग रिलेटेड फीचर्स टुगेदर एंड डिक्रीज द डायमेंशनैलिटी ऑफ एन इनपुट सेट। तो फीचर एग्रीगेशन में क्या किया जाता है, कहते हैं जो रिलेटेड फीचर्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, जिससे डायमेंशनैलिटी ऑफ एन इनपुट सेट रिड्यूस हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिटी, स्ट्रीट, ये 2 एट्रीब्यूट्स थे, तो हम इसको सिंगल एट्रीब्यूट एड्रेस में रख सकते हैं, तो हम एग्रीगेट कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर पहले 2 एट्रीब्यूट्स हो रहे थे, अब हमने इसको सिंगल एट्रीब्यूट एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। तो एग्रीगेशन में यही किया जाता है। तो इन सम केसेस कंबाइनिंग मल्टीपल फीचर्स इनटू अ सिंगल फीचर्स कैन बी मोर यूजफुल फॉर एन एल्गोरिथम। तो
कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को, मल्टीपल फीचर्स को सिंगल फीचर में कन्वर्ट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होता है एल्गोरिदम में एज़ कम्पेयर टू उन एट्रीब्यूट्स को अलग अलग एल्गोरिदम्स को प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज डिकम्पोजिशन। इफ सम वैल्यूज इन द डेटा सेट्स आर कॉम्प्लिकेटेड, डिकम्पोजिंग दैम इन टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में बी मोर मीनिंगफुल टू मशीन लर्निंग मॉडल। अगर सपोज हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं डेटा सेट में वो अगर कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उस केस में उनको डिकम्पोज करना वेरियस पार्ट्स में ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए। तो जैसे इफ ए डेट हैज़ ए डे कंपोनेंट एंड ए टाइम कंपोनेंट एंड ओनली द टाइम पार्ट इज रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम बीइंग एड्रेस्ड, सो स्प्लिटिंग डे कंपोनेंट कैन कैप्चर मोर स्पेसिफिक डेटा। तो अगर सपोज हमारी डेट में डे भी लिखा हुआ है और टाइम भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारे एल्गोरिदम को सिर्फ टाइम चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेट को स्प्लिट कर देंगे दो एट्रीब्यूट्स में और सिर्फ टाइम एट्रीब्यूट ही उसको इनपुट में देंगे एल्गोरिदम को, जिससे क्या करे वो एल्गोरिदम प्रॉपरली वर्क कर पाए। स्प्लिट करने से या डिकम्पोज करने से डेटा को हम ज़्यादा स्पेसिफिक डेटा को कैप्चर कर सकते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के लिए।